फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और आज हम लोग आप ठीक होंगे। ये मेरी छोटी बहन हैदराबाद से आई है, मेरी बड़ी बहन है। ये लोग हैदराबाद से रात को आए हैं ईस्टर करने के लिए, तो हम लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। एक चाइना से आई है, कराची की गर्मी में। चाइना से आई है, जापान वाली वो आई नहीं है। ये मेरी छोटी बहन है, ये मेरी बड़ी बहन है, और मैं अपनी मम्मा से भी मिलवाऊंगी आपको। और हम लोग जा रहे हैं अभी शॉपिंग करने, तो आप हमारे साथ रहिएगा और मैं आपको दिखाती हूँ। बोल रही शॉपिंग कर ली है मैंने, इसकी शॉपिंग करने जा रहे हैं। मैंने और पैसे नहीं लगाने। हाँ बस सही है, गाड़ी वाले भाई हमें शॉपिंग करवा रहे हैं। ये जो अंकल है ना बैठे, स्पेशली मुझे, हम इनका खर्चा करवा। आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं आपको दिखाती हूँ कराची की ट्रैफिक भी, कैसे निकलेंगे। मुझे अमूमन पसंद नहीं है गाड़ी में जाना, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक इतनी होती है। बाइक भी अच्छा होता है, ये फटाफट निकल जाता है बंदा ऐसे ऐसे करके। बाइक पे तो सही चल जाता है, गाड़ी पे खड़े होना पड़ता है, घंटा वेट करना पड़ता है, फिर निकल सकते हैं कराची में। वरना तो पूरा ही बंदा बैठा रहे। मेरा कहना है कि आप लोग बाइक यूज़ करें कराची में, तो आप मेरे साथ साथ रहिएगा। तो कराची की सबसे सस्ती मार्केट में हम लेके जाएंगे सुनैना को, क्योंकि सुनैना कह रही है कि मुझे सस्ती मार्केट लेके चलो। तो मैं आपको दिखाती हूँ यश लोग कहाँ को लेके जाते हैं हमें सस्ती मार्केट में। यश कौन सी जगह है? लंदन जा रहे हैं। मेरा नाम लेने का क्या मकसद है? आप ही जा रही थी कि सस्ती मार्केट लेके जा रहे हैं। लंदन जा रही हूँ, लंदन मार्केट। आपने नहीं जाना है, मेरा नाम क्यों लिया? अच्छा, हम लोग सस्ती मार्केट जा रहे हैं, लंदन मार्केट जा रहे हैं, जो यूज चीजें होती है। नहीं, लंदन में जा रहे हैं। लंदन में जा रहे हैं, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इतवार बाजार वगैरह होते हैं ना? ये इतवार को भी लगते हैं, जुम्मे को भी लगते हैं। अच्छा, लगते रहते हैं, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, चलो यश उतरते हैं। कैब कैब नहीं, चलो उतरते हैं। बस क्या, बाइक गाड़ी उठा देंगे। तो आप मेरे साथ रहिएगा, बहुत धूप है, गर्मी है बहुत है। मैं आपको दिखाती हूँ कि सुनैना क्या लेती है यहाँ से। मेरा तो बहाना ही है बस, बेटा है कुछ, मैंने कुछ नहीं लेना। इसको भी शॉपिंग का बहुत शौक तो है, लेकिन मैं यहाँ से कम ही लेती हूँ। इधर चलते हैं, क्या ले आएगा। तो हम लोग सस्ती मार्केट हम होकर आ गए, हमें कुछ समझ नहीं आया, तो हम लोगों ने कुछ शॉपीज लिए, बहुत कुछ लिया, घर जाके दिखाएंगे। हाँ, मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी। शॉपीज लिए, लैंप लिए, अच्छे लग रहे थे, और अच्छी रिजनेबल प्राइस में, अच्छी एंटीक चीज़ें, तो वो लिए। मैं घर जाके आपको दिखा दूँ, बंद कर दो तुम। अब हम जा रहे हैं किसी और मार्केट, तो मैं आपको दिखाऊंगी। आप लोग देख सकते हैं ट्रैफिक, घंटे से हम लोग खड़े हैं, तो हाल बुरा हो चुका है। धूप भी पूरी गाड़ी में आगे बैठी हुई है हमारे साथ, इतनी धूप हो रही है। बंस रोड है और आधे घंटे से हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, और ट्रैफिक चलने का नाम नहीं ले रहे। बिजनेस ऐसे ही होता है, सर में दर्द हो रहा है मेरा, मेरा भी फायदा हो जाएगा। और ये सस्ती मार्केट में घूम घूम के ना मेरा दिल घबरा। सारे हम लोग पानी पीने आए हैं, बहुत चक्कर आ रहे थे, तो यस लिमका लेने गए हैं। हमारे मेरी बड़ी बड़ी प्यारी बहन, प्यारी है, सारी बहनें बहुत प्यारी। लिमका ले आए हैं, थैंक यू सो मच यार। आप बहुत अच्छे हो। ये लेमनेड है, एप्पल मॉफी, किसने जो खाना था।
मेरा मेरी बहने मेरी ब्लॉगिंग से इतनी परेशान हो रही, कह रही क्या बार बार तुम ये बताती हो मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, इनको कोई बताए कि ब्लॉगिंग में मैं कितनी अच्छी होती जा रही हूँ। ये देख कोई नहीं, यशी मेरे साथ देते मेरी बहनें तो कब से मैं मना रही हूँ ब्लॉगिंग कर रही हूँ, तो कह रही हूँ पता नहीं क्या कर रही हूँ, हमारे हमें नहीं लेना हम है एक तो मुझे ब्लॉगिंग करनी आती नहीं है, ऊपर से लोग डीमोटिवेट करते हैं, कौन से गांव से आए हैं कहीं कहा, कभी लोग मुझे बोलेंगे नॉट अलाउड, कभी बोलेंगे कुछ और कभी कुछ, और मेरी बहनें कह रही पता नहीं क्या करती जा रही है। लोग YMC में आए हैं और कसम से बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और बहुत पीसफुल इन्वायरमेंट है और मज़ा आ रहा है, थोड़ा सा चिल मारने आए, थक गए सुबह से घूम के। अब हम रोज़ा खोलने गवर्नर हाउस में जा रहे हैं। आज तो घूम घूम के हमारा दिमाग खराब हो गया, मुझे घूमने से नफरत हो रही है। गवर्नर हाउस आए हम लोग रोजा खोलने, तारीख का टाइम हम लोग एक्चुअली रोज़ा खोलने आए थे, खोलने नहीं आए थे हम लोग, सिर्फ देखने आए थे अंदर क्या हो रहा है, तो आप लोग देख सकते हैं। गवर्नर साहब रोज़ाना 5 से 6 हज़ार लोगों को यार मुझे ये गवर्नर हाउस देखना था इसलिए मैं अंदर आ गई, और मैं बहुत गंदी लग रही हूँ इग्नोर कर। घूम के हम लोग बहुत थक गए थे, तो अब हम लोग फैमिली डिनर के लिए जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, ये भी बहुत प्यारी लग रही है और ये भी बहुत प्यारी लग रही है, और वहाँ चल के आपसे बात करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं मेरा फुल लुक, तुम ही बाहर है माइलो को बहुत गुस्सा आ रहा है हमेशा की तरह, वो कह रही है कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे, लेकिन अब मुझे खुद भी दुख होता है लेकिन रेस्टोरेंट में अलाउड नहीं है, तो इसलिए हम उसको लेके नहीं जाते, तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, हम लोग निकलने लगे। इसको भी नहीं जाना चाहिए, अगर माइलो नहीं जा रही तो इसको नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं माइलो के लिए खाना ले आती हूँ बेटा जानी, ऐसी कोई बात नहीं, मिलवाना भूल गई मैं अपनी मम्मा से, मिलवाना भूल गई, ये मेरी मम्मा है, ये मेरी मम्मा है और ये मुझे मिल मिल। तो हमारी गाड़ी छोटी लोग से आ रहे हैं, तो हम लोग दोनों आगे बैठे, दोनों बहने आगे बैठे, ये गश तो हम लोग पहुंच चुके हैं फूड, आ जाओ काफी लेट हो गए, 1 बज अब हम लोग जाएंगे ऊपर, ये मेरी दोनों मम्माएं, हेलो हाय बोल दो,
हम लोग ऊपर जा रहे हैं, तो उसे नहीं जाएगा। तो हमें हमारा टेबल मिल चुका है, यश मुझे समझ नहीं आता यहाँ पे लाइटिंग क्यों अच्छी है, बताओ। वो सीक्रेट है। आओ पिक्चर्स लेते हैं। तो हम लोग ऊपर जा रहे हैं पिक्चर्स लेने, क्योंकि मुझे ये व्यू बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे थोड़ी सी लाइटिंग है। हमारा खाना आ चुका है, मस्ती करते ना। तो मैं खाना, हम लोग खाना खा के अब सेल्फी कैमरे। खाना बहुत यम, खाना बहुत अच्छा है। मुझे डर लगता है, बच्चों को मार मारना। ये बच्चे अपने फादर को बहुत मिस करते हैं, इनके फादर दुबई गए हुए, बहुत मिस करते हैं। ये इनकी मम्मा है, ऑस्टिन। ये शरारत करते तो फिर मासूम पिटाई करती है। इनकी हॉट और खूबसूरत मासूम, ये काट देना। तो हम लोग जाएंगे अब घर पे, मैंने पकड़ना नहीं है। फुटजिन का खाना बहुत अच्छा है, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आ रहा है, तो मैंने कहा इनको भी लेके चलती हूँ। खाना बहुत अच्छा है, आप लोग आएँ और इन्जॉय करें। हम लोग घर आ चुके हैं और बहुत सब थक गए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी ईस्टर। और सुबह से हम लोग कभी यहाँ घूमे, कभी यहाँ घूमे, कभी फैमिली डिनर के लिए गए। तो मैं आपको दिखाना भूल गई कि हम लोग क्या शॉपिंग करके आए थे। ये चीज़ लिया था हमने और अच्छे प्राइस में हमें मिल गया। और एक चीज़ दिखाती हूँ, ये लिया था, इसी था लैम्प लिया था आपने, मुझे खुदा से लिया। ये हमें अच्छे प्राइस में मिल गया था। तो अब मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, सुबह के 7 बज रहे, दुआ भी हो गई चर्च से भी होकर, 7 ही बजने ना, थोड़ा सा टाइम रह गया। तो क्या कहते हैं, दुआ भी हो गई चर्च से भी होके आ गए हूँ। अब हम सोएंगे और मैं यहाँ पे व्लॉग का एंड करती हूँ। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। बस ये दो चीज़ें तो लाए थे। गुड नाइट एवरीवन और हैप्पी ईस्टर।
सब बहुत सारे ख्याल रखिएगा और दुआ में ख्याल रखिएगा. बी हैप्पी, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ. बाय बाय. कल मिलते हैं ईस्टर वाले दिन और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने शॉपिंग में क्या लिया है. ठीक है, और मैं नया ड्रेस पहन के आऊँगी कि यश ने मुझे क्या लेकर दिया. ठीक है, आपसे कल मिलते हैं नए ब्लॉग में. वो स्टार्टिंग में बोल. बाय बाय. इतनी नींद आ रही है ना, हो जाओ ना, बस बंद करो इसको. तो लोगों को बताओ ना मुझे कितनी नींद आ रही है. नाश्ता भी चर्च में नाश्ता भी था, आज ब्रेकफास्ट भी होता है, लेकिन हम लोग आ गए, मुझे इतनी नींद आ रही थी, मैंने कहा मैं नाश्ता नहीं करूँगी. थोड़ी देर में हमें ब्रेकफास्ट भी दे रहा था चर्च वालों ने, तो क्या कहते हैं, मैंने कहा नहीं, मैंने तो नहीं खाना, मैं तो जाके सो, मैं सोने लगती. ओके, बाय बाय.